Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उमेश पाल की सरेआम जीटी रोड पर हत्या करने वाले शूटरों का अंदाज बेखौफ रहा है। वे फिल्मी गैंगवार की तरह फायरिंग कर रहे थे, टी शर्ट्स और जींस पहने थे, एक शूटर कैप लगाया था। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते दिखे एक शूटर का हुलिया अतीक अहमद के बेटे अली जैसा पुलिस देख कर अधिकारी जो है वो अचंभित हो गए हैं। हालांकि अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। फुटेज देखकर पुलिस अधिकारियों का दावा है कि फायरिंग में ज्यादातर पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, कोई स्वचालित हथियार प्रयोग नहीं किया गया है। शूटरों के बेखौफ होने को इस बात से समझा जा सकता है कि जीटी रोड जैसी जगह पर जहां अक्सर जाम लगता है, वहां गोलियां बरसाने के साथ ही उमेश की कार पर बम भी पटका जाता है, जिससे चौतरफा धुआं फैलता है और फिर अफरा तफरी मच जाती है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि शूटरों में एक कैप लगाया है जो उमेश पर हमले के बाद अचानक पीछे से आता है और फिर फायरिंग करते हुए गली की तरफ से भागता है। इसके बाद दो और शूटर फुटेज में आते दिख रहे हैं। इनमें एक शूटर टी शर्ट और जींस पहने हैं, वो पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा है। वो गली में भागे उमेश और सिपाही राघवेंद्र पर फायरिंग कर रहा था, जबकि एक अपराधी झोले से बम निकालकर फेंकता दिखा। वह गली के बाहर से फायरिंग कर रहा था, तभी भीतर से कैप लगाए शूटर बाहर की तरफ आया तो दोनों शूटर टकरा जाते हैं। कैप पहने शूटर गिरता है, लेकिन फौरन उठकर कार के पास जाकर सड़क पर खड़े होकर दहशत फैलाने का काम करने लगता है। फुटेज में यह भी दिखता है कि एक बदमाश उमेश के घर की तरफ गली और कार के अलावा सड़क पर भी लगातार बम फेंक रहा है, ताकि कोई इधर आने की हिम्मत नहीं कर सके। फुटेज में सड़क पर 3-4 बम धमाके से धुआं उठता है। करीब 2 मिनट तक फायरिंग और बमबाजी के बाद शूटर अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर भागते दिखे। शूटरों में एक फुलिया अतीक अहमद के बेटे अली से मिल रहा है, जो रंगदारी और धमकी के मुकदमे में अदालत में सरेंडर करने के बाद से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। डीसीपी नगर दीपक का कहना है, प्रयागराज के साथ कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के भी शूटरों की टोल ली जा रही है। अतीक गैंग के भी गुर्गे पकड़े जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के भी गुर्गों से कनेक्शन देखा जा रहा है। इधर मुख्तार के गुर्गे प्रयागराज में टिकते रहे हैं, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो अपराधी है उसका फुटेज सामने आया है, जिसमें जो है अतीक अहमद के बेटे अली जैसा दिखता नजर आ रहा है। इसके बाद लोगों की नींद चैन उड़ी हुई है, कहीं जेल से बाहर आकर उसका बेटा तो नहीं इस तरीके का अंजाम दिया है, इसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें होने लगी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जांच में क्या सच में अतीक का ही बेटा होता है या फिर उसी जैसा कोई और अपराधी दिखने को मिलता है। ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स।